स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट होम. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये वर्ड थर्मोडायनेमिक्स क्या है. ठीक है, नाउ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स इज चेंज, थर्मो बेसिकली एनर्जी. सो थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टडी विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस. ठीक है, राइट, क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, नाउ ये तो हो गया सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग. अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप कोई फ्यूल ले लो, ठीक है, जैसे कोयला ले लो, और जब उसको बर्न करते हो आप कोल को, तो क्या होता है, हीट एनर्जी इज given out and light energy is released. ठीक है, so what is happening, जो chemical energy stored थी coal के molecules में, it is transforming into or it is getting converted into heat energy and light energy, है ना. तो एक तो ये हो गया. दूसरा, जब आप अपनी सारी, you all have cars at home, scooters हैं, cars हैं, उसमें क्या है, आप fuel डालते हो. ठीक है, fuel is a chemical, right, fossil fuel आप डालते हो, you either put पेट्रोल और यू पुट डीजल, तो उसमें क्या है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है. तो जब वो बर्न करती है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड योर व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग, है ना. सो अगेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. देन अगर आप गैल्वेनिक सेल ले लो, गैल्वेनिक सेल मतलब क्या है, जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में. ठीक है, जैसे अगर आप ले लो बैटरी ले लो, ड्राई सेल ले लो, जो आप अपने रिमोट में डालते हो, तो रिमोट के सेल में क्या है, केमिकल एनर्जी है एंड इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, राइट, सो दीज आर ऑल सर्टन डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर टेकिंग प्लेस एंड द स्टडी ऑफ दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, सेकेंड चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप है वो ये नहीं कवर करता कि एनर्जी चेंजेस क्यों हो रहे हैं या किस रेट पे हो रहे हैं. ठीक है, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स टॉक्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो आप प्लस टू में पढ़ते हो. थर्मोडायनेमिक्स रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ टू द नेट चेंज इन एनर्जी, कि एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल कितनी थी, उसमें चेंज कितना है. सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द चेंज इन एनर्जी. ठीक है, सो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. ठीक है, राइट, इट डज नॉट टॉक अबाउट कि ये क्यों हुई या किस स्पीड पे हुई, इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट्स. ठीक है, राइट, अब हम आते हैं कि केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स कैसे होता है. बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब एक बॉन्ड बनता है, व्हेन अ बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड, एनर्जी इज गिवन आउट, एंड व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रेकिंग, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड. ठीक है, तो हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं. एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस इज कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, इट इज़ नॉट इक्वल टू द एनर्जी गिवन आउट व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, सो अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और कम एनर्जी इज़ गिवन आउट, ठीक है, राइट, तो ज़्यादा चाहिए लेकिन रिलीज़ कम की, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं. अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. और सेकंड केस कुड बी कि आपने थोड़ी एनर्जी ली और ज़्यादा बाहर दी. ठीक है, तो थोड़ी चाहिए थी और ज़्यादा रिलीज़ हुई, तो वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, हम एग्जांपल्स के साथ बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को पढ़ते हैं. ठीक है, अब मैंने यहाँ एक वर्ड सिस्टम यूज़ किया, हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को नहीं पढ़ते. ठीक है, सो वी टॉक अबाउट, वी स्टडी ऑब्जेक्ट्स विच हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, ओके. नाउ अब मैंने एक टर्म यूज़ की, सिस्टम, तो हम सीखते हैं कि सिस्टम क्या है एंड सराउंडिंग क्या है. ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, राइट. सिस्टम इज जो भी हम बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं या जहाँ भी, जिस भी चीज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है. ठीक है, सो वट एवर इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज योर सिस्टम. ठीक है, राइट, तो अगर यहाँ पे एक बीकर में मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये बीकर क्या हो गया, ये जो पूरा बीकर है और उसमें केमिकल्स हैं, ये सारा क्या हो गया, दिस इज योर सिस्टम. ठीक है, और इसके आसपास वो जो कमरा जिसके अंदर, वो जो लैब जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो
वो क्या हो गया, सराउंडिंग। ठीक है, राइट। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इकट्ठे मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। ठीक है, नाउ अब आप कहेंगे कि मतलब वो जो बीकर है जिसमें मेरा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, सिस्टम है और बाकी सब कुछ सराउंडिंग है ना। तो टेक्निकली तो ये ठीक है, बट लॉजिकली बाकी सारा मतलब कि जो 10 किलोमीटर सड़क पे कोई स्कूल है, क्या वो सराउंडिंग का हिस्सा है इस लैब के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या एकदम उस लैब के बाहर साथ वाला किस जो रूम है, क्या वो उसको अफेक्ट कर सकता है? उसके कंडीशंस नहीं कर सकते। तो जब आप लॉजिकली बात करते हो तो सराउंडिंग क्या होती है, जो उसकी इमीडिएट नेबरहुड होती है, दैट इज़ द सराउंडिंग, बिकॉज ओनली दैट कैन अफेक्ट द सिस्टम और दैट कैन गेट अफेक्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो अदरवाइज जहाँ जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है या जिस चीज़ का एनर्जी चेन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम एंड द रिमेनिंग इमीडिएट नेबरहुड इज द सराउंडिंग। ठीक है, अब ये सिस्टम एंड सराउंडिंग को हम डिफरेंट वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दैट। एक बार इसको मैं मिटा देती हूँ बोर्ड को। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, द फर्स्ट वे टू क्लासिफाई इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, सो फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासिफाई द सिस्टम इंटू थ्री कैटेगरीज। जो पहली कैटेगरी है दैट इज ओपन सिस्टम। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी इज क्लोज्ड सिस्टम एंड थर्ड कैटेगरी इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जिसको हम एडियाबैटिक सिस्टम भी कहते हैं, एडियाबैटिक। ठीक है, राइट, या इंसुलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर ओपन सिस्टम। ठीक है, सो हम आ जाते हैं ओपन सिस्टम पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स से एक ग्लास लिया, ठीक है, सो आई हैव टेकन अ ग्लास, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो इट्स अ ओपन सिस्टम। इसकी वॉल्स क्या हैं, कंडक्टिंग वॉल्स हैं, मतलब हीट कैन ट्रैवल, द वॉल्स आर कंडक्टिंग, तो हीट यहाँ से बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है। अगर मैं इसमें दूध गर्म करके रख देती हूँ, ठीक है, सो इफ आई पुट हॉट मिल्क इन दिस, क्या होएगा? अगर आप पढ़ाई करने में बिजी हो गए तो क्या होएगा, दूध ठंडा हो जाएगा, है ना, राइट। सो वॉट इज हैपनिंग, द एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। आपको पता है वॉट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे मूव करती है। तो यहाँ आपका उबलता हुआ बहुत टेस्टी बॉर्नविटा वाला दूध था और यहाँ पे टेबल नॉर्मल रूम टेम्परेचर था। ठीक है, तो क्या होएगा, द हीट इज़ गोइंग टू ट्रैवल और थोड़ी देर में आपका दूध जो है वो ठंडा हो जाएगा, है ना। सो वॉट इज़ हैपनिंग, द एनर्जी एक्सचेंज इज हैपनिंग। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज इज हैपनिंग, एक्सचेंज भी लिख देते हैं वर्ड, ताकि आप जब बाद में नोट्स बनाओ तो आपको पता लगे ये एनर्जी का आगे टिक क्यों लगा है, एनर्जी एक्सचेंज। और एनर्जी एक्सचेंज के दो तरीके होते हैं,
यू हैव हीट एंड वर्क डन। ठीक है, आगे हम बहुत डिटेल्स में दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी रख देती या बनाना शेक रख देती तो थोड़ी देर में वो क्या होता, अगर आप उसको पीते नहीं तो वो गर्म हो जाता है ना, राइट। तो क्या उस केस में क्या हो रहा है कि आपका बनाना शेक का लेट्स से टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर था 37 और 38 और 40 डिग्री या मे बी 30 डिग्री सेल्सियस, तो हीट जो थी वो सराउंडिंग से ट्रैवल हो गई। तो अगर आपने यहाँ पे कोल्ड मिल्क रखा हुआ था है ना, सो दिस वॉज कोल्ड, राइट, तो क्या हुआ कि सराउंडिंग से हीट ट्रैवल हो गई और ये गर्म हो गया। सो इन आइदर वेज क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग। ठीक है, और यहाँ से जो है गर्म जो है उसमें से वेपर्स भी ट्रैवल करेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ। अगर आप ऊपर हाथ रख के देखोगे आपको गीला गीला लगेगा बिकॉज द वेपर्स आर ट्रैवलिंग, सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास। ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं क्लोज सिस्टम पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बीकर ले लेती हूँ, ठीक है, एंड आई एम कवरिंग इट विद अ लिड, और मैंने इसमें लेट्स से गर्म पानी रख दिया, आई हैव पुट हॉट वाटर इन दिस बीकर, तो क्या होएगा यहाँ से, एंड लेट्स से दिस हैज कंडक्टिंग वॉल्स, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द हीट इज गोइंग टू ट्रैवल, यहाँ हॉट वाटर था, यहाँ पे रूम टेम्परेचर था, तो यहाँ से हीट बाहर की तरफ ट्रैवल कर जाएगी और पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, सो एनर्जी एक्सचेंज इज हैपनिंग, यस इट इज टेकिंग प्लेस, बट यहाँ से जब वेपर्स एस्केप करने की कोशिश करेंगे वो एस्केप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, दैट मीन्स जो मास एक्सचेंज है इट इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, तभी हम उसको क्लोज्ड कहते हैं, क्योंकि मास जो है वो बाहर जा नहीं पाया, रीजन बीइंग कि लिड बंद थी, ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, इट इज क्लोज्ड। ठीक है, एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं सिस्टम सराउंडिंग में। नाउ ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे इस केस में, ओपन सिस्टम के केस में ये जो बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्लास नहीं है, कोई स्टील नहीं है, सो दिस बाउंड्री हेयर इज अ इमेजिनरी बाउंड्री, क्योंकि हमने ऊपर कोई ढक्कन नहीं डाला हुआ है ना, और ये असली का ग्लास है, सो दिस इज अ रियल बाउंड्री। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज इन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में, यू कैन यू सी ये दोनों क्या हैं, दीज आर रियल बाउंड्रीज। ठीक है, राइट। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ जहाँ पे बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, राइट, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर ले लिया बेटा, ठीक है, इसमें मैंने गैस डाल दी, एंड लेट्स से इट हैज इंसुलेटिंग वॉल्स, इंसुलेटिंग वॉल्स या एडियाबैटिक वॉल्स। इंसुलेटिंग वॉल्स क्या होती हैं, जिसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती या अंदर नहीं आ सकती, जैसे थर्मस की होती है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पानी ले लेती हूँ, आई टेक वाटर हेयर और सम लिक्विड हेयर, और बीच में मैंने एक इमर्शन रॉड छोड़ दी है, ठीक है, कहीं से, या एक इलेक्ट्रिक आर्क दी, जिससे इसका पानी जो है हीट हो गया, राइट। जब पानी जो है गर्म हो गया तो क्या होएगा बताओ, यहाँ पे वेपर्स बनेंगे एंड दे आर गोइंग टू एग्जर्ट प्रेशर, जिससे क्या होएगा, दिस पिस्टन इज गोइंग टू मूव अप। ठीक है, अब जब ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा, ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ से हीट तो एस्केप कर नहीं सकती क्योंकि दिस इज अ इंसुलेटिंग वॉल, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द पिस्टन
एंड द पिस्टन इज गोइंग टू मूव अप. दैट मीन्स इसने कुछ काम किया सिस्टम ने. इसने क्या किया, इसने पिस्टन को ऊपर धक्का मारा. दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन दिस केस. ठीक है, राइट. तो एनर्जी एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, इस केस में भी एनर्जी एक्सचेंज हैज हैपेंड बट इन द फॉर्म ऑफ वर्क. ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज डज हैपन. जैसे यहाँ पे क्या था, हीट एक्सचेंज हुई थी तो एनर्जी एक्सचेंज था, और यहाँ पे वर्क हैज बीन डन तो एनर्जी एक्सचेंज हैज हैपेंड. ठीक है, बाकी इसका क्योंकि पिस्टन से इसका जो माउथ है वो ब्लॉक्ड है, सो द वेपर्स कैन नॉट एस्केप, सो मास एक्सचेंज कैन नॉट हैपन. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आइसोलेटेड सिस्टम पे. ठीक है, जैसे अगर आप एक थर्मस ले लीजिए, सो थर्मस में ऐसे एक मोटी सी शील्ड होती है लगी हुई. देर इज़ अ वॉल दैट इज नोन एज एडियाबैटिक वॉल. ये थर्मस का ढक्कन है, और यहाँ से अगर आप इसमें गर्म पानी रख दो तो स्टील थर्मस आती है, आपने देखा, दे आर वेरी इफेक्टिव. अगर आप उसमें गर्म पानी रख दो, गर्म चाय रख दो, कॉफ़ी रख दो, दूध रख दो, सो फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच. ठीक है, पूरे दिन 24 आवर्स इसमें गर्म रहता है पानी. ठीक है, या अगर इसमें आप कुछ ठंडा रख दोगे तो वो ठंडा रहेगा. क्यों? बिकॉज ये वॉल्स कैसी हैं, दे आर इंसुलेटिंग वॉल्स, या आप कह सकते हो एडियाबैटिक वॉल्स. दैट मीन्स वॉट इज हैपनिंग इज दैट एनर्जी एक्सचेंज कांट हैपन. ठीक है, क्योंकि ढक्कन बंद है तो मास एक्सचेंज ऑल्सो कांट हैपन. जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, थर्मस फ्लास्क. ऑल्दो देर आर नो परफेक्ट एडियाबैटिक सिस्टम्स. ठीक है, पानी भी आपका सेकेंड डे एक दिन मैक्सिमम गर्म रहेगा, अगले दिन ठंडा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, बट दिस इज द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर एडियाबैटिक सिस्टम. ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू वॉट आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द सिस्टम एंड सराउंडिंग. सो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है, एंड इट्स कॉम्पोजिशन. ठीक है, सो इस बेसिस पे हम सिस्टम को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, वन इज होमोजीनियस एंड द सेकेंड इज हेट्रो जीनियस. ठीक है, अब होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब जिस चीज से वो बना है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन सेम फेज नंबर वन, एंड नंबर टू इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. ठीक है, जैसे एयर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. आप ध्यान से देखिए, जो भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं वो आपके होमोजीनियस सिस्टम के भी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल. ठीक है, तो ये है क्या, बेसिकली दे आर टू मिसेबल लिक्विड्स, वो दो लिक्विड्स जो आपस में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज सलाइन, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम्स. हेट्रोजीनियस सिस्टम्स कौन से होते हैं, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, और द कॉम्पोजिशन इन डिफरेंट स्टेट्स, कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, तो वो क्या हो गए आपके हेट्रोजीनियस सिस्टम्स. ठीक है,
जैसे अगर मैं कोई चीज़ है, जैसे इफ आई टेक ग्रेवल, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनको मैं पानी में डाल दूँ, सो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो इट्स अ हेट्रोजीनियस, या दो इमिसिबल लिक्विड्स ले लूँ, सो इफ आई टेक टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो वो भी क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया हेट्रोजीनियस सिस्टम का. सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड कॉम्पोजिशन. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, अब हम देखते हैं व्हाट आर दीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, नाउ देर आर सर्टन की प्रॉपर्टीज विच डिफाइन अ सिस्टम. ठीक है, जैसे हो गया प्रेशर, हो गया वॉल्यूम, हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस टेंशन. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो एक सिस्टम को डिफाइन करती हैं उनको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. अब जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं ये दो तरह की होती हैं. ठीक है, सो दे आर ऑफ टू टाइप्स. One is intensive and second is extensive. ठीक है, intensive आपको नाम से पता लग रहा है, internally, ठीक है, that means, and extensive मतलब externally, ऐसे याद रखो. ठीक है, तो internally मतलब कि intensive properties वो properties हैं which do not depend on the size or quantity of the system. तो ये किस पे डिपेंड करती हैं? ठीक है, इंटरनली मतलब अंदर किस चीज से बनी है. सो दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम या सैम्पल या सब्सटेंस जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, सबसे कॉमन है बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, नाउ अगर आप एक लीटर पानी ले लो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है. अगर आप 10 लीटर पानी ले लो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है. सो बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन कि वो 1 लीटर है कि 10 लीटर है कि 100 लीटर है. ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई. इज इट क्लियर टू यू? उसी तरह आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हो जाएगा, हो सकती है. ठीक है, यू कैन हैव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है या डेंसिटी ऑफ एयर है वो सेम रहेगी चाहे उसकी कितनी भी वॉल्यूम हो जाए, राइट. देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो फिक्स्ड रहेगा, राइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का फिक्स्ड रहेगा. हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि बिग ग्लास का इतना होता है या स्मॉल ग्लास का इतना होता है. ठीक है, सो इट इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. उसके बाद जितने भी आपने कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स पढ़ी हैं, दैट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, देन यू हैव मोल फ्रैक्शन, और क्या पढ़ा था बेटा, यू स्टडीड नॉर्मैलिटी, है ना, ये सारी क्या है, दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव टेकन अ वन मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उस सोल्यूशन का एक लीटर लूंगी तो उसमें एक मोल सॉल्यूट होगा. ठीक है, राइट, चाहे वो मेरे पास बाल्टी भर सोल्यूशन है, चाहे मेरे पास टैंक भर सोल्यूशन है, जब मैं उसका एक लीटर सैंपल उठाती हूँ तो उसमें एक मोल सॉल्यूट होता है, दैट्स व्हाट इट मींस. ठीक है, और इफ आई से इफ आई हैव अ 20% सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इट मींस कि बाय मास. ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ इफ आई हैव 20% सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर बाय मास, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, मास परसेंट भी. ठीक है, कैसे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि हर 100 ग्राम शुगर सोल्यूशन में 20 ग्राम चीनी है और 80 ग्राम पानी है. ठीक है, सो दिस इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट. उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे.
ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब आपने सैंपल चाहे 100 ग्राम लिया या 50 ग्राम लिया, आपने व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कि उस सैंपल का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव की ओरिजिनल सैंपल साइज कितना है, ठीक है, राइट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो अंदर नहीं डिपेंड करती, इंटरनली नहीं डिपेंड करती, मतलब नेचर पे नहीं डिपेंड करती, एक्सटर्नली मतलब क्वांटिटी कितनी है कि साइज कितना है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड on the size of the system or quantity of the system या sample, जो आपको easy लगता है वो आप लिख लो, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ सकता है कितना important example है आपका, volume, mass, ठीक है। अब जैसे अगर आप लेट्स से 100 ml पानी लेते हो तो वो एक ग्लास में आ जाएगा, पर अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो वो एक ग्लास में नहीं आएगा, उसके लिए आपको एक बड़ा पतीला चाहिए होगा, वो ज़्यादा जगह घेरेगा, है ना। उसी तरह अगर 10 ग्राम्स चीज़ है, छोटा सा सैंपल है, तो उसका जैसे आपने कोई भी एक चीज़ ले लो, जैसे आप लोहा ले लो, आप अगर इतना सा टुकड़ा लेते हो लोहे का, ठीक है, तो उसका भार कम है। अब इतना बड़ा टुकड़ा ले लोगे लोहे का तो उसका भार ज़्यादा होएगा, है ना। सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द साइज, राइट। सो दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। और अब बहुत सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ोगे, ठीक है, जैसे होगी आपकी इंथैल्पी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, ये सारी नई टर्म्स हैं, ये आप पढ़ोगे। अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये सारी नई चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। दीज आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, जो आपके जो थर्मोडायनेमिक्स में आप बेसिकली यही पढ़ने वाले हो। सो दे आर डिफाइनिंग द एनर्जी चेंजेस इन अ रिएक्शन, ठीक है, राइट। सो उसके बाद जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं, सिर्फ हीट कैपेसिटी। ये भी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स में। व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली अगर सिस्टम ज़्यादा बड़ा हुआ तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी, अगर इतना सा हुआ तो कम हीट चाहिए होगी, है ना, राइट। जैसे अगर आप एक पतीले में आधा कप पानी डालो तो वो जल्दी उबलता है, अब पतीला भर के पानी डाल दो तो वो ज़्यादा टाइम में उबलता है। ऑल्दो द बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू रिमेन सेम 100 डिग्री सेल्सियस, बट जो उसको हीट चाहिए होगी इतने से पानी को वो कम चाहिए होगी, है ना, तो वो जल्दी उबल जाएगा। और इतने सारे पानी को हीट ज़्यादा चाहिए होगी तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस काफ़ी देर बाद अचीव होएगा, राइट। सो हीट कैपेसिटी, राइट। तो अभी हम ये सारे यहीं पार्क कर देंगे, ये हम आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्टेट फंक्शंस, ठीक है। नाउ अब स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, जब हम कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज़ कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं जिसमें एनर्जी चेंज हो रहा है, सो देर आर सर्टन वेरिएबल्स विच डिफाइन द सिस्टम, ठीक है। व्हेन दीज वेरिएबल्स अंडरगो चेंज वी कैन मेजर द चेंज। हम कभी भी सिस्टम के कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एग्जैक्टली प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, बट वॉट वी कैन मेजर इज़ द चेंज दैट दे आर अंडरगोइंग, ठीक है। सो वो वेरिएबल्स जिनका हम चेंज मेजर करके उस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स आ सकता है इसमें, ठीक है। देन यू हैव व्हाट इज न्यू इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी,
एंड फ्री एनर्जी, ठीक है। ये चार चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और ये चार नई चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आगे, ठीक है। राइट, सो दीज आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। सो व्हेन वी स्टडी द चेंज इन दीज वेरिएबल्स, बेसिकली वी आर स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? इट्स बेसिकली द चेंज इन दीज वेरिएबल्स एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स, ठीक है। अब इनको हम स्टेट फंक्शंस क्यों कहते हैं? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, हुज वैल्यू, सो फिजिकल क्वांटिटी स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू डिपेंड ऑन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, फिगर्स या फाइनल वैल्यूज एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन, ठीक है। मतलब क्या है इसका? ये स्टेट फंक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी आपका इंटरनल एनर्जी चेंज है या एंथैल्पी चेंज है या वॉल्यूम चेंज है या प्रेशर चेंज है या टेम्परेचर चेंज है, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा? इट विल ओनली डिपेंड अपॉन कि फाइनल वैल्यू कितनी है और इनिशियल वैल्यू कितनी है। द चेंज इन दीज वेरिएबल्स विल नॉट डिपेंड अपॉन कि किस मोड से ये रिएक्शन हुआ, क्या वो एक स्टेप में हुआ, क्या वो दो स्टेप में हुआ, क्या वो तीन स्टेप में हुआ, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? हुज चेंज डिपेंड्स, ठीक है, हुज चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन, ठीक है, इसलिए हम इनको स्टेट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। सो इसको हम और डिटेल्स में ये चारों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ व्हेनेवर देयर इज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। नाउ जरूरी नहीं है कि हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सारे वेरिएबल्स चेंज होंगे, ठीक है। सो किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होएगा, किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट होएगी, कोई रिवर्सिबल होएगा, कोई इररिवर्सिबल होएगा, कोई साइक्लिक होएगा, कोई नॉन साइक्लिक होगा। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज चेंजिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, जो हम देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सो व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको वॉल्स कौन सी चाहिए होंगी? यू आर गोइंग टू नीड कंडक्टिंग वॉल्स इन द सिस्टम, ठीक है। ऐसा क्यों है? सपोज अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक बीकर में, ठीक है, एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो हीट इज इवॉल्व, सो दिस कुड रेज द टेम्परेचर। तो अगर कंडक्टिंग वॉल्स होंगी तो क्या होएगा? दिस हीट विल फ्लो आउट, ठीक है, राइट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। उसके बाद सेकेंड आ जाता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है? विच इज टेकिंग प्लेस एट सेम प्रेशर, ठीक है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या था? जिसमें आपका टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, राइट। और उसके लिए हमें क्या चाहिए थी? कंडक्टिंग वॉल्स चाहिए थी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम टू आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसो सेम प्रेशर, सो जिसमें आपका प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, दैट इज चेंज इन प्रेशर इज जीरो। बेसिकली लैब में जितने भी आपके नॉर्मली
जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके ओपन सिस्टम्स में एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं लैब में, उसमें क्या प्रेशर होता है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं. सो देर इज़ नो चेंज इन प्रेशर, राइट? अगर आप पानी को लेट्स से एक बीकर में उबाल रहे हो या एक पैन में गर्म कर रहे हो, तो क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड द स्टीम एस्केप्स. एक ओपन पैन में आप पानी उबाल रहे हो तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, राइट? उसके बाद आ जाता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? बेसिकली जो एक थर्मस फ्लास्क में हो रहा है, इन सिंपल वर्ड्स, या जिसकी इंसुलेटिंग वॉल्स हैं जिस सिस्टम की, एंड ऊपर से ढक्कन बंद है, दैट मींस योर हीट के नॉट एस्केप और एंटर. अगर सिंपल भाषा में बात करूं, देयर इज नो वर्क एक्सचेंज आल्सो, नो वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, ठीक है, दैट मींस एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता, मास एक्सचेंज नहीं हो सकता. तो इस केस में अगर आपके, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अगर आएंगे डिटेल्स में आएंगे इफ एंड बट्स के साथ, सो लेट्स से योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. जो आपके एडियाबैटिक सिस्टम में रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, दैट मींस हीट इज रिलीज्ड. तो इस केस में वो हीट एस्केप नहीं कर पाएगी. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है. और अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है, राइट, इट्स अ एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब इट कैन नॉट, द एनर्जी एक्सचेंज कैन नॉट हैपन, और वो उसके अंदर जो सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है वो एंडोथर्मिक है. सो व्हाट इज हैपनिंग? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है. तो बाहर से तो आप कोई हीट अंदर फ्लो नहीं कर सकती, तो आपके सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है. सो दिस 3 आर क्लियर टू यू? ये तो आपने पहले भी सुने होंगे, आइसोथर्मल एंड आइसोबार, ठीक है. अब हम आ जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक कौन से होते हैं? जिसमें वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, राइट. अब जैसे अगर मैंने एक बंद क्लोज्ड वेसल में कुछ कर रही हूँ, तो अगर गैस ली है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगी? आपकी वॉल्यूम ऑफ द वेसल. सो द वॉल्यूम कैन नॉट चेंज, सो दैट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस. कि अगर एक क्लोज सिस्टम में मैं गैस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड यू नो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सो द वॉल्यूम इज फिक्स्ड. सो व्हाट कैन चेंज इज प्रेशर, मे और मे नॉट चेंज, ठीक है. सो आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है. सो एनी गैसियस रिएक्शन, gaseous reactions which are taking place inside a closed cylinder, ठीक है. normally gaseous reactions को हम closed cylinder में लेते हैं, नहीं तो gas escape कर जाएगी, common sense. तो ये सारे क्या होंगे? आपके isochoric processes, and pressure may or may not be constant. थोड़ा इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे आपके इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, जब हम डी चैटेलर्स प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़े से फिर और प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है, राइट. और मे बी आई कैन राइट इट हेयर ओनली. सो द नेक्स्ट इज योर साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, जिसमें वो घूम के वापस वहीं आ गया जहाँ से शुरू हुआ था. तो कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? तो इसमें क्या है, जिसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, दैट इज योर साइक्लिक प्रोसेस. बड़े कॉमन एग्जांपल्स नेचर से ले सकते हो. यू कैन टेक सबसे इजी, बेटा वाटर साइकिल, ये तो आप सबको आता होगा, है ना, राइट, ओके. उसके बाद आ जाते हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है. परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेसेस यूजुअली होते नहीं हैं. तो जितने भी आपके आइडियल गैस के प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो क्या हुए? आपके रिवर्सिबल प्रोसेसेस. एंड यू नो
इट्स ओनली फॉर अ पर्टिकुलर वेरी स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट द रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस. ठीक है, तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइडियली ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं होते रिवर्सिबल प्रोसेसेस. अदरवाइज रिवर्स होना मतलब वो प्रोसेस जो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में शुरू हो जाता है. ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, सो इसको आप बहुत डिटेल्स में इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे अमोनिया के प्रोसेस को. ओके, थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? दे आर द प्रोसेसेस इन व्हिच द एनर्जी चेंजेस या द प्रेशर चेंज या जो भी चेंज हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्लोली. ठीक है, वट एवर चेंज इज हैपनिंग सो इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, मतलब इतना ज्यादा स्लोली हो रहा है दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन रिवर्स इटसेल्फ. ठीक है, इतने स्लोली हो रहा है ये प्रोसेस कि विद द लिटिल चेंज इन द कंडीशंस वो वापस जा सकता है. तो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे क्या हो सकता है? ठीक है, राइट है. अब इरिवर्सिबल का मैं आपको वैसे कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया है ना, दूध से दही बनना, पनीर बनना, राइट, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे क्या हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं. ठीक है, अगर आप इसको थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या हैं? दे आर हैपनिंग इन फाइनाइट स्टेप्स. ठीक है, राइट, इट एंड इट इज हैपनिंग इन सच अ वे दैट इट कैनॉट गेट रिवर्स्ड. ठीक है, राइट, तो वो जो चेंज है वो इतना फाइनाइट, इट्स हैपनिंग इन फाइनाइट स्टेप्स, इतने छोटे छोटे स्टेप्स में नहीं हो रहा, बट इट इज हैपनिंग इन स्टेप्स और इन वन स्टेप और टू स्टेप और थ्री स्टेप, एंड द चेंज इज हैपनिंग इन सच अ पेस, इतनी स्पीड से हो रहा है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता. ठीक है, सो इट कैनॉट गेट रिवर्स, इट इज हैपनिंग एट अ पेस एट विच इट कैनॉट गेट रिवर्स. सो दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से हैं जो रिवर्स हो सकते हैं? आइडियल गैस रिएक्शन सारे आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं, दे आर हैपनिंग इन फाइनाइट स्टेप्स एट अ पेस कि वो एकदम से वापस नहीं हो सकता, फटाफट हो जाता है कि उसको वापस होने का मौका नहीं मिलता, और ये इतना स्लो होता है एंड इन सच स्मॉल स्टेप्स कि इसको वापस होने का मौका मिल जाता है, कि इतना स्लो हो रहा है कि धीरे से सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है. ये कॉन्सेप्ट को हम इक्विलिब्रियम में और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कवर करेंगे. ठीक है, सो राइट नाउ आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू हियर, जहाँ इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी वहीं हम इसको करेंगे. ठीक है, राइट, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस दैट आर अकरिंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. ठीक है, हमने बात की थी जब हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था कि देर आर टू वेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वन इज हीट एंड द अदर इज वर्क डन. ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम हीट पे. ठीक है, नाउ आप सबको पता है कि हीट होती है कैसे ट्रैवल करती है. हीट इज, व्हाट इज हीट? हीट इज अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ. ठीक है, एंड हाउ डज एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस? द हीट एक्सचेंज हैपन्स फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ लोअर बॉडी. ठीक है, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं. जैसे अगर मैं एक वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, अगर यहाँ पे हॉट वाटर है और वो मैंने एक टेबल पे रख दिया तो क्या होएगा? यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, सो हीट इज गोइंग टू ट्रैवल सिस्टम से कहाँ चली जाएगी? सराउंडिंग में चली जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? हीट इज गिवन आउट
बाय द सिस्टम, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे नॉर्मल गर्मियों में रूम टेम्परेचर इज अराउंड 30-35 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मैंने चिल्ड वाटर रख दिया, कोल्ड वाटर रख दिया, तो क्या होएगा, जो सराउंडिंग की हीट है वो इस पानी को वार्म कर देगी, ठीक है। ये चिल्ड था तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएगी, बिकॉज द हीट इज ट्रैवलिंग इनसाइड द सिस्टम। तो यहाँ हीट सराउंडिंग से कहाँ चली गई, सिस्टम में। सो यहाँ पे हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, आइदर हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम और हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है। हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट इज कैलोरीज, ठीक है। वन कैलोरी इज 4.184 जूल्स, ठीक है। इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ व्हेन एवर हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, तो मतलब उसने अपनी एनर्जी दे दी, तो उसकी एनर्जी पहले से कम हो जाएगी, तो क्या होएगा, क्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाएगी, तो क्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हीट। अब आते हैं हम सेकेंड मोड ऑफ एक्सचेंज, दैट इज वर्क डन, ठीक है, राइट। नाउ इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेती हूँ, ठीक है, और उसमें यहाँ पे एक पिस्टन डाल देती हूँ, राइट, एंड लेट्स से द वॉल्यूम, देयर इज सम गैस हेयर, राइट, विद द वॉल्यूम वी। जब मैं इसको हीट करती हूँ तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज एंड दे विल एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है। सो लेट्स से दीज आर एडियाबैटिक वॉल्स, ये एक सिलेंडर लिया जिसमें एक एडियाबैटिक वॉल्स हैं, मतलब इंसुलेटेड वॉल्स हैं, एंड सम हाउ मैं यहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क से या किसी भी कोई मैकेनिकल इफेक्ट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, तो क्या होएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, तो दे आर गोइंग टू कोलाइड मोर, ठीक है, राइट। क्योंकि अब यहाँ से तो हीट एस्केप कर नहीं सकती, तो क्या होएगा, उससे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब जब वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, वो इस पिस्टन को ऊपर ऐसे धक्का लगा के मूव कर देंगे, क्योंकि नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स हैज इंक्रीज। सो वॉट इज गोइंग टू हैपन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज विल हैपन। तो क्या हुआ, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज की और इसको धक्का लगा के ऊपर कर दिया, तो इसकी एनर्जी पहले से कम हो गई, सो दिस वर्क डन इज नेगेटिव। तो हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, माइनस डब्ल्यू से, ठीक है। सो वर्क डन इज लेट्स से नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड कि इट्स इफ सम हाउ आई एम एबल टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस, ठीक है, एंड एडियाबैटिक वॉल्स हैं, और अगर इसका टेम्परेचर जो है वो मैं रिड्यूस कर दूँ, तो क्या होएगा, गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, इफ दे विल कम क्लोजर दे विल लूज काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल कम क्लोजर, तो क्या होएगा, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, जब नीचे आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होएगा, पिस्टन विल मूव डाउन। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकेंड केस में क्या हुआ कि लेट से यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, सो दे आर गोइंग टू लूज काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल कम क्लोजर, कोलिजन्स कम हो जाएंगी, तो क्या होएगा, द पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स ये पिस्टन नीचे यहाँ पे आ गया मूव करके, सो वॉट इज हैपेंड, कॉन्ट्रैक्शन हैज हैपेंड,
ठीक है, तो पिस्टन जो था वो नीचे आ गया, दैट मीन्स सराउंडिंग ने पिस्टन को नीचे दबा दिया, राइट। सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन ने, सिस्टम ने कुछ नहीं किया, पहले केस में सिस्टम ने ऊपर धक्का लगाया था आपके, तो सिस्टम हैड डन द वर्क, सो दैट वर्क डन वॉज नेगेटिव, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी यूज की और उसको ऊपर धक्का लगाया। सेकेंड केस में क्या हुआ, पिस्टन अपने आप नीचे आ गया, कैसे, ऊपर से पुश होके नीचे आ गया, तो इसमें सराउंडिंग ने पिस्टन को नीचे भेज दिया, तो वर्क इज नॉट डन बाय द सिस्टम बट बाय द सराउंडिंग, सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम ने खुद नहीं कुछ किया, सराउंडिंग ने उस पर काम किया, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी जो है पहले से बढ़ गई, ठीक है, राइट। सो दैट इज पॉजिटिव। तो आपने जब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना होता है, एक बहुत छोटी सी चीज़ आपने देखनी होती है, जैसे अगर आपको कोई खाना ला के देता है, आप खाना खाते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, पर आपको कोई कहे कि खड़े होके खाना बनाओ, तो आप काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है तो पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग राइट देन उसकी, क्योंकि आपकी एनर्जी इज गेटिंग यूज टू डू वर्क, है ना, राइट। सो बिकॉज वॉट इज वर्क, वर्क इज द, वॉट इज एनर्जी, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। तो जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो आपकी एनर्जी पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने आपको लाके खाना दे दिया तो आपको, आप खाओगे उसको, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सो वर्क इज डन ऑन यू, ठीक है। किसी ने खाना बना के आपको दिया तो आपकी एनर्जी बढ़ गई, आप बना रहे हो तो आपकी एनर्जी घट रही है, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर इट। तो अब इससे हमें साइन कन्वेंशंस क्या पता लगी, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड क्यू इज पॉजिटिव, व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड क्यू इज नेगेटिव, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट इज नेगेटिव, When work is done on the system, it is positive. ठीक है, इस तरह के work को, okay, now let's come back to this example. इस केस में हमने क्या लिया था, इस केस में हमने insulating walls ली थी, ठीक है, right? तो इस तरह के work को हम क्या कहते हैं, adiabatic work. सो इफ़ द वर्क इज डन वेन द वॉल्स आर एडियाबैटिक, तो उस तरह का वर्क डन क्या होता है, एडियाबैटिक वर्क, क्योंकि उस समय देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक वर्क, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। वर्क डन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है, जब हम वर्क डन की बात करते हैं, कुड बी इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इट कुड बी मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे होता है, जैसे आप एक एसिडिफाइड वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो यू गेट H2O2, सो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज एनी केमिकल रिएक्शन जो एक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो आप अलग से पढ़ोगे, ठीक है, वो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे जब हम वर्क डन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन को हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी कहते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे एक ये सिलेंडर है, उसमें गैस है जिसका प्रेशर पी है एंड वॉल्यूम वी इज देयर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है बाहर का, ठीक है, सो लेट्स से दैट प्रेशर इज पी और हम इसको पी इंटरनल ले लेते हैं। नाउ इस केस में पी इंटरनल हमारा हमने ले लिया, इट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। हमने क्या क्या लिया है, एक ये सिलेंडर लिया है जिसमें एक गैस है जिसकी वॉल्यूम V है, इट इज एट टेम्परेचर T एंड इसका इंटरनल प्रेशर जो है इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर P, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। नाउ सिंस हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे इंटरनल प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है, तो क्या होएगा, प्रेशर अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, ठीक है, सो
सो वॉट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, इस तरफ से फोर्स ज़्यादा लग रही है और जो बाहर से फोर्स कम लग रही है, तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ. सो दिस पिस्टन इज गोइंग टू मूव अप. सो लेट्स से ये पिस्टन ऊपर आके यहाँ पे आ गया एंड इट मूव्स अ स्मॉल डिस्टेंस dl. ठीक है, समझ आ रहा है कि यहाँ की गैस का प्रेशर ज़्यादा है, हायर प्रेशर है एंड बाहर लोअर प्रेशर है. सो पिस्टन कहाँ की तरफ मूव करेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ से ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है, ऊपर से नीचे कम लग रही है. ठीक है, सो नाउ हम डिराइव करेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. ठीक है, नाउ यू नो दैट व्हाट इज़ प्रेशर. प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स क्या हो गई? पी इंटू ए, दैट इज़ प्रेशर इंटू एरिया. सो फर्स्ट इज दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. उसके बाद लेट्स से एक्सपेंशन हुई और नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, सिंस द प्रेशर इनसाइड इज़ ग्रेटर दैन द प्रेशर आउटसाइड, जिसको हमने पी लिया है. So what is going to happen? Expansion. That is, piston is going to move up and volume of gas will increase. Work done by the system क्या हो जाएगा? Work done is force into distance. अब force क्या थी आपकी? आपने अभी यहाँ निकाली थी P into A and small distance moved is dl. ठीक है, so आपका work done क्या हो गया? P into A into dl. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये negative sign. Negative sign क्यों लगाते हैं? In order to keep up with the sign convention. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था क्या sign convention कहती है. जब expansion होती है, that is work done by the system, it should be negative. ताकि आपका answer negative में आए, इसलिए यहाँ मैंने formula में minus लगा दिया. ठीक है, तो अब उसके बाद next step में you know that एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम. वॉट इज वॉल्यूम? एरिया ऑफ द बेस इंटू लेंथ. तो यहाँ पे ए इंटू डी एल क्या हो गया आपका? डी वी, दैट इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. तो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ गया? माइनस पी इंटू डी वी. राइट, नाउ लेट से गैस की वॉल्यूम वी वन थी पहले, अब वो एक्सपैंड करके वी टू हो गई. ठीक है, तो अगर हमने वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. मतलब ये थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दिया है, उससे हम वर्क डन टोटल निकाल सकते हैं. इंटीग्रेशन करेंगे. अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पी इंटू डी वी. एंड इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? वी वन, अब क्या हो गई? वी टू हो गई. सो दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट इसका अलग से आपको वीडियो लेक्चर भेज देंगे. मैथमेटिकल टूल्स में वैसे आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन. सो हम जब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दिया हुआ है, उससे हमने जब वर्क डन निकालना है बाय द सिस्टम, तो हम क्या करते हैं? हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. और उसकी इनिशियल वॉल्यूम वी वन थी, अब क्या है? वी टू. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पी इज़ अ कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया पी. ठीक है, सो इंटीग्रेशन किसकी करनी है हमने? डी वी की करनी है. सो पी हैज़ कम आउट. इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होती है? वी होती है. तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज वी. अब अपर लिमिट क्या है उसकी? वी टू. और लोअर लिमिट क्या है? वी वन. तो जब हम इसको इसकी लिमिट्स दी होती हैं और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो वैल्यू क्या थी? वी. तो क्या हो गया? वी टू माइनस वी वन. एंड वी टू माइनस वी वन क्या होता है आपका? डेल्टा वी. ठीक है, सो आपका वर्क डन क्या हो गया? माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको. हमने क्या लिया? हमने एक सिलेंडर लिया जिसकी वॉल्यूम वी थी. एक्सटर्नल प्रेशर जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा था पिस्टन पे, वो क्या था? पी. एंड इट वाज गिवन द इंटरनल प्रेशर इज स्लाइटली ग्रेटर दैन एक्सटर्नल प्रेशर. सो व्हाट हैपेंड वाज, जो पिस्टन था वो कहाँ से उसने ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है एंड एक्सपेंशन होगी. सो वर्क डन बाय पिस्टन हम कैसे निकालेंगे, या वर्क डन बाय द सिस्टम हम कैसे निकालेंगे? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. फर्दर हमने निकाला था व्हाट इज फोर्स, कैसे निकाला था? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स क्या हो गया? प्रेशर इनटू एरिया. तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया? पी इनटू ए. एंड डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन क्या है? डी एल. तो इंटू डी एल. माइनस साइन किसने लगाया? साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए. ठीक है, फर्दर यू नो दैट एरिया इंटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम, इसलिए ए इंटू डी एल की जगह हमने क्या डाल दिया? डी वी डाल दिया.
ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इससे जब हम वर्क डन निकालेंगे हम क्या कर देंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमने इंटीग्रेट तो किया ही किया, साथ में हमने इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी डाल दी कि पहले वॉल्यूम V1 थी अब वॉल्यूम V2 है। तो इंटीग्रेशन में P बाहर आ गया जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ dV की, क्योंकि dV की इंटीग्रेशन करनी थी तो इंटीग्रेशन ऑफ dV इज V। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पी वी। ठीक है, एक स्टेप और कर लो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो, इंटीग्रेशन की माइनस पी वी और इसकी लिमिट्स थी वी वन से वी टू। तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो भी इंटीग्रेशन से वैल्यू आती है उसमें हम क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर। सो वी टू माइनस वी वन दैट इज पी डेल्टा वी। दिस इज योर वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अब अगर लेट्स से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती, थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन चेक करते हैं। एक्सपेंशन में क्या हुआ आपका, आपका आया वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी था क्या आपका, वी टू माइनस वी वन। एक्सपेंशन हुई है दैट मीन्स जो फाइनल वॉल्यूम है वी टू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वी वन, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे डेल्टा वी क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो आपका डेल्टा वी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। कैसे, लेट्स से पहले वॉल्यूम थी 1 लीटर, अब वो एक्सपैंड होके कितनी हो गई, 2 लीटर। तो V2 माइनस V1 क्या हो गया, 2 माइनस 1 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन होती है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, साइन क्यों डाला मैं आपको वो समझा रही हूँ। माइनस पी डेल्टा वी फॉर्मूला है। अब कॉन्ट्रैक्शन हुई, सो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम वाज 2 लीटर्स, अब कितनी रह गई है, 1 लीटर कम हो गई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, ठीक है, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। पीछे अब अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा है और नीचे कम है, अंदर कम है, तो क्या होएगा, जो सराउंडिंग्स जो है वो क्या करेंगी, पिस्टन को नीचे धक्का देंगी जहाँ पे प्रेशर कम है। तो क्या होएगा, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो इन दिस केस अब उसकी वॉल्यूम 2 से कम होके लेट्स से 1 लीटर हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए साइन क्या आ जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, सो 1 माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे भी माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस। तो आपका वर्क डन का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए हमने फॉर्मूला में माइनस साइन डाला ताकि जब हम सॉल्व करें तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या आए, नेगेटिव, एंड कॉन्ट्रैक्शन के केस में वर्क डन क्या आए, पॉजिटिव आए। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस लिखा है दैट अगर आपको पूछा है डिराइव वर्क डन, ठीक है, इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इन एनी केस यू शुड नो आइडियल गैस का प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल। तो हो सकता है इनमें से एक चीज दी हो, ठीक है, या रिवर्सिबल या आइडियल गैस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसका आपने आगे डिराइव करना है एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया था, जब हमने वर्क डन निकाला था, यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर वाली डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आपको ये डिराइव करने को कहा है, अगर आपको सिर्फ कहा है कि गिवन एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, तो आप इसको यहाँ तक डिराइव करोगे। लेकिन अगर आपको ये स्पेसिफिक केस मेंशनड है तो आप वो सारा डिराइव करोगे और साथ में ये आगे एडिशनल डिराइव करोगे। कहाँ से शुरू करोगे, हमने यहाँ पे किया था वर्क डन वॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जहाँ वॉल्यूम वी वन से इंक्रीज होके वी टू पे जा रही थी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कैसे किया था, वी हैड डन पी इंटू डी वी वी वन से वी टू, क्योंकि डी डब्ल्यू क्या था हमारा, डी डब्ल्यू वॉज माइनस पी इंटू डी वी। यहाँ तक सेम करेंगे। अब क्योंकि आइडियल गैस है, यू नो दैट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, विच इम्प्लाइज आपका पी क्या हो गया, एन आर टी ओवर वी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे पी की जगह क्या डाल देना है, एन आर टी ओवर वी, ठीक है। दिस इज गैस कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज गिवन, आइसोथर्मल है, कॉन्स्टेंट है। तो ये तीनों चीजें बाहर आ गई, तो क्या हो गया, माइनस एन आर टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर v, ठीक है। नाउ यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x इज नेचुरल लॉग x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x इज नेचुरल लॉग
एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, सेम चीज को यहाँ डाल दो, इसको मिक्स नहीं करते, सो दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग वी इंटू डी वी। ठीक है, फर्दर मैंने आपको बताया था इसमें लिमिट्स की वैल्यू कैसे डालेंगे, जो भी इसका आंसर आया है इट्स गोइंग टू बी सॉरी नेचुरल लॉग वी, वी वन से वी टू इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया आपके पास नेचुरल लॉग वी, और वी वन से वी टू लिमिट्स हैं तो क्या आएगा अपर लिमिट, सो नेचुरल लॉग वी टू माइनस नेचुरल लॉग वी वन। ठीक है, फर्दर यू नो दैट लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए बाय बी, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी माइनस एन आर टी, ठीक है, नेचुरल लॉग बी टू ओवर बी वन। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, यहाँ तक समझ आ गया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते, तो क्या हो गया माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग बी टू माइनस बी वन। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जब आप नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है, जब आप उसको लॉग में कन्वर्ट करते हो जिसका बेस 10 है, क्योंकि आपके लॉग टेबल्स में बेस 10 होता है, तो आप क्या करते हो, आप नेचुरल लॉग को किससे मल्टीप्लाई करते हो 2.303 से। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस एन आर टी 2.303 लॉग वी टू माइनस वी वन। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये क्या था आपका नेचुरल लॉग, दैट इज लॉग जिसका बेस ई था। ठीक है, पर आपके लॉग टेबल्स में वैल्यू किसकी दी होती है, लॉग जिसका बेस 10 है, तो जब आपने नेचुरल लॉग को लॉग जिसका बेस 10 है उसमें कन्वर्ट करना होता है, तो आप उस वैल्यू के किससे मल्टीप्लाई करते हो, यू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 2.303। ठीक है, सो ये क्या हो गया माइनस 2.303 एन आर टी टू लॉग ऑफ वी टू ओवर वी वन। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एनवायरमेंट फॉर अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, आपको अगर वॉल्यूम की जगह प्रेशर दिया हुआ है तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, नाउ वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस 2.303 एन आर टी। अगर वॉल्यूम्स की जगह प्रेशर दिए हुए हैं तो क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पी वन अपॉन पी टू उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर आप यहाँ से माइनस साइन हटा दो तो ये क्या हो जाएगा 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ फिर उल्टा हो गया पी टू ओवर पी वन। ठीक है, यूजुअली तो आपका यही यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, बट आपका जेई में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के चार एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो ये तीन तो उसके नॉर्मल एक्सप्रेशंस ही हैं, बाकी एक फोर्थ रॉन्ग दिया हुआ था। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग, हमने क्या किया, हमने यहाँ तक सेम था जैसे हम निकाल रहे थे, क्योंकि आइडियल गैस थी हमने पी की जगह क्या लिख दिया एन आर टी ओवर वी, फर्दर एन आर टी कॉन्स्टेंट थे बाहर आ गए, इंटीग्रेट किया वन बाय वी को, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वी इज दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स इज नेचुरल लॉग एक्स, तो यहाँ क्या हो गया वन बाय वी का लॉग वी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि लिमिट्स दी हुई थी तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, फर्दर लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है आपका लॉग ए बाय बी। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन रूल कहते हैं लॉग का, तो यहाँ पे क्या आ गया लॉग वी टू अपॉन वी वन। अब नेचुरल लॉग को हमने जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने किया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका माइनस टू पॉइंट द वर्क डन इज माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ वी टू अपॉन वी वन की जगह पी वन अपॉन पी टू बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कौन सा लॉ है आपका बॉयल्स लॉ है। ठीक है, फर्दर अगर आप यहाँ से इसको उल्टा कर दो तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.303 एन आर टी लॉग पी टू अपॉन पी वन। ये तीन एक्सप्रेशंस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं,
अदरवाइज न्यूमेरिकल में आपका ये यूज होता है, ठीक है, राइट। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू एंड टूडेज वीडियो लेक्चर, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, बट लिख के पढ़िए, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ईजी सी जनरल सी चीज़ है, ठीक है। सो मेक नोट्स, गो थ्रू दिस वीडियो ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, काफ़ी यूज होएगा थर्मोडायनामिक्स आपकी प्लस टू में भी, ठीक है। सो मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।